उदाहरण 10, कौन सा धन 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 2,809 रुपए हो जाएगा। उदाहरण 10, हल। यहाँ हमें मिश्र धन जो दिया गया है वह है मिश्र धन बराबर 2,809 रुपए। इसके बाद मूलधन, मूलधन पी जो है वो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा धन 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 2,809 रुपए हो जाएगा। तो 2,809 रुपए मिश्र धन हुआ, मूलधन पी हमें ज्ञात करना है, और दर जो है दर आर बराबर 6% वार्षिक, समय एन बराबर 2 वर्ष, मूलधन भी हम मिश्र धन के सूत्र की सहायता से ही ज्ञात करेंगे, इसलिए ए बराबर हम लेंगे पी एक धन आर बटे 100 पूरे की घात एन। इसमें मान रखते हैं जो राशि हमारे पास है, तो मिश्र धन ए बराबर कितना दिया हुआ है 2,809 रुपए, पी यहाँ अज्ञात है तो पी को हम पी के रूप से ही निरूपित करेंगे, और एक धन आर का मान 6% है वार्षिक, तो 6% के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 6/100 और घात एन यानी कि वर्ष 2। इसे हल करते हैं, 2,809 पी एक धन, इसे हम लिख सकते हैं हल करने पर 3/50, 2 के पहाड़े से इसे हम इसे हल कर रहे हैं, तो ये हो गया 3/50 और पूरे की घात यहाँ पर 2। पुनः आगे हल करते हैं, 2,809 और पी गुणित यहाँ पर एक धन 3/50 को हम लिख सकते हैं 53/50 पूरे की घात 2। आगे हल करते हैं, चलिए हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ था वह है 2,809 बराबर पी गुणित 53/50 पूरे की घात 2। इसे आगे हल करते हैं तो हमें मिलेगा 2,809 बराबर पी गुणित 53/50 गुणित 53/50, क्योंकि घात यहाँ पर 2 है। इसे आगे हल करने पर मिलेगा पी गुणित 2,809/2,500 और ये यहाँ पर हमें मिला हुआ है 2,809। अब यदि हमें पी का मान ज्ञात करना है तो इसे हल करने के लिए पक्षांतर करना होगा, तो उस स्थिति में हमें मिलेगा पी बराबर 2,809/1 गुणित 2,500/2,509। इसे हल कर लें तो आप देखेंगे कि ये समान अंक है, तो 2,809 एकम 2,809 एकम 2,509, ये मिलेगा हमें 2,500 रुपये मूलधन का मान, तो वह राशि हमें ज्ञात हो गई है 2,500 रुपये यानी कि 2,500 रुपये। इस प्रकार प्रश्न हल हुआ।